बाकी जमातों से कितने लोग आपसे रबते में हैं और कौन कौन सी जमात से रबते में हैं पीपल्स पार्टी से, जो जिस शेयर की आप बात कर रहे हैं ना कि बड़ा शेयर हमें मिल सकता है आइंदा जनरल इलेक्शन के अंदर? नहीं, आप एक तो पहले यहाँ पे दुरुस्ती कर लेना कि अगर आप ये समझें कि जी पीपल्स पार्टी के साथ पंजाब में है ही कुछ नहीं, तो ये गलत बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी एक बुनियाद भी है और हमारे पास हर हलके में तकरीबन अच्छे और कंटेस्टिंग और विनिंग कैंडिडेट्स मौजूद हैं। मजीद बेहतरी इस तरह से आ रही है कि रोज़ अच्छे अच्छे लोग अपने हलकों में, अपने इलाकों में अच्छी अच्छी शोहरत रखने वाले, अच्छी सियासी गिरफ्त रखने वाले लोग जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रुजू कर रहे हैं। जहाँ तक बात रही जमातों की तो और सियासी लोगों की, सियासी लोगों का बिला शक इस चीज़ से कि जी कौन किस जमात है कौन किस जमात है, सियासी लोगों के आपस में रबते हमेशा रहते हैं अगर वो मुस्बत जहन वाले हों तो हमेशा रबते रहते हैं। और मैंने पहले भी इस बात को कहा है, फिर आपके प्रोग्राम में ये बात दोहरा रहा हूँ कि बहुत से लोग हैं जो हमारी पार्टी क्यादत के साथ, हमारी सेकेंड टायर क्यादत के साथ, हम लोगों के साथ रबते में हैं। बहुत से लोगों के साथ हमारी क्यादत, हमारे सेकेंड टायर लीडरशिप जो है और हम लोग उनके साथ रबते में। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ बहुत सारे अनफोल्ड हो गए और बहुत सारे चेहरे जो हैं वो आपको मजीद देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। अब तो अब साबिक गवर्नर सरदार जुल्फकार खान खोसा साहब, क्या आप भी तहरीक इंसाफ में हैं या वो नहीं है? मेरे ख्याल में आपका उनके साथ मुझ जितना ही ताल्लुक है वो आपको भी मेरी तरह ही समझते हैं। हाँ। तो ये बेहतर है कि सवाल आप उनसे खुद पूछ लें, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। देखिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है ना सर, एक भाई इधर एक भाई इधर, वालिद साहब उधर साहबजादे उधर, हालिया हालात और खासतौर पर 9 मई के वाकयात के बाद आपने उनकी पल्स तो चेक की होगी ना कि वो क्या चाहते हैं बड़े सरदार साहब? देखिए हाल ही में वालिद साहब ने एक अपनी स्टेटमेंट जारी की जिसमें उन्होंने 9 मई के वाकयात को न सिर्फ कंडेम किया क्योंकि 62 से लेके और 2018 तक की, ऐसे मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में आज कोई शख्स ऐसा मौजूद हो जिसने 62 से लेके मुतवातर 2018 तक की असेंबली देखी हो, और मैं नहीं समझता कि मेरे वालिद से ज़्यादा मुहिब्बुल वतन कोई और हो सकता है, और मैं नहीं समझता कि उनकी औलाद या उनके ताल्लुक में कोई ऐसा लोग हो जो कि उस एलिमेंट का साथ दे जो कि एंटी स्टेट एलिमेंट बना हो, बने या कहलाया जा सके, तसव्वुर नहीं किया जा सकता। मेरे वालिद साहब ने तो बड़े कैटेगोरिकली और बड़े ओपनली इस चीज़ को न सिर्फ कंडेम किया है बल्कि पब्लिक मैसेज दिया है कि हर पाकिस्तानी को चाहिए कि वो उस एलिमेंट को डिस्करेज नहीं, उसको रद्द करे जो स्टेट के खिलाफ, स्टेट के इदारों के खिलाफ कंस्पिरेसीज करे, उनको नुकसान पहुंचाए। तो आप खुद उनका मैसेज समझ सकते हैं कि उनका मतलब किसकी तरफ है। वेरी राइट। अब इंटरिम सेटअप की बात करते हैं ना, पंजाब में एक इंटरिम सेटअप काम कर रहा है, 90 डेज से ऊपर नहीं होना चाहिए। आप बतौर साबिक वज़ीरे आला पंजाब इस इंटरिम सेटअप को कॉन्स्टिट्यूशनल समझते हैं या नहीं समझते हैं? एक पॉइंट। दूसरा, अगर निगरा हुकूमत या इंटरिम सेटअप इश्तहारात के अंदर अपने आप को हुकूमत पंजाब लिख रही हो और निगरा वज़ीरे आला अपने आप को वज़ीरे आला पंजाब लिख रहे हो, तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक है या नहीं है? दो सवाल थे सर। सर देखें, मखसूस हालात में मखसूस जो आपकी अरेंजमेंट्स होती हैं वो करनी पड़ती हैं। पाकिस्तान में अगर हालात आज अगर नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो वो एक और चीज़ है, लेकिन आज से चंद दिन पहले तक अगर आप समझें कि पाकिस्तान में हालात नॉर्मल थे तो हालात नॉर्मल नहीं थे। एनआरकी फैलाने की कोशिश की जा रही थी, एक जिसे कहते हैं आपके बदमनी फैलाने की कोशिश की जा रही थी, हुकूमत और हुकूमती रिट के खिलाफ और आपके इदारों के खिलाफ एक तहरीक शुरू करने की कोशिश की जा रही थी। और इन हालात के अंदर मेरे ख्याल में स्टेबिलिटी लाना जो है वो अव्वल है कि पहले इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आए, और उस स्टेबिलिटी के साथ जिसमें एक ये स्टेबिलिटी, दूसरी आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा, सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़।
लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान, खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।